अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी जा रही होंगी। अच्छा भाई बच्चों, आज जो है हमारा सेकंड ईयर का जो आपका प्रिपरेशन पेपर, आपका टारगेट पेपर है, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहेगा मिस उस्तानी जी एजुकेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट उस्तानी जी कोचिंग सेंटर। अच्छा जी, आपके पास मिस उस्तानी जी का व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं वो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स, साथ में सॉल्यूशन टू पास पेपर्स, एग्जाम प्रिपरेशंस और 100% टारगेटेड प्रैक्टिस पेपर्स। ठीक है, आप अपनी फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए जो है उस्तानी जी यूट्यूब चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उसको पूछ सकते हैं। अच्छा जी, प्रिपरेशन पेपर के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नेम है, फर्दर उसके आगे भी मेंशन है कि वो कौन से पार्टीशन से, जूलॉजी या बॉटनी, जैसे होम्योस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल बिहेवियर, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एंड एजिंग, ये तमाम के तमाम जूलॉजी रिलेटेड चैप्टर्स हैं। एंड फर्दर जो भी आपके फ्रॉम चैप्टर 8 टू चैप्टर 13 आपके बॉटनी है। ठीक है, चैप्टर 1 आपके पास क्या क्या क्वेश्चन हैं? आपके पास चैप्टर 1 में आते हैं सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन जो है ऑस्मोरेगुलेशन, एक्वेटिक एनिमल्स में लिवर को क्यों होम्योस्टेटिक ऑर्गन कहा जाता है, ऑस्मोरेगुलेशन और लिथोट्रिप्सी। अच्छा, यहाँ पे वर्ड लिवर आ रहा है, लिवर नहीं, यहाँ पे ब्रेन का होगा। ठीक है, उसके बाद लिथोट्रिप्सी की टेक्निक्स, हार्मोन्स, डायलिसिस, रोल ऑफ ब्रेन इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद रीजनिंग देखें, व्हाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, क्यों हाइपोथैलेमस को बॉडी का थर्मोस्टेट कहा जाता है, बिकॉज इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। व्हाई डू फ्रेश वाटर फिशेज एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन एंड मैरीन फिशेज एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन। बेटा मैंने पहले भी बताया था, अगर तो आपको हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आसानी से आंसर कर देंगे, बट इफ़ नॉट तो ये आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई इसी तरह से क्यों मॉडरेट फीवर गुड होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि बेटा जो मॉडरेट फीवर होता है उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको टॉलरेट नहीं कर पाते और नतीजन क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है कि उनकी वो जो है सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, डिटेल में आ जाए, एक्सप्लेन थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, डाइट द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। बेटा कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी लाजमी बनाएं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर चैप्टर विच इज़ चैप्टर 2, इसके सेक्शन बी को हम देखते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन आर्थराइटिस, आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, डिस्क स्लिप जिसके अंदर आपकी रिब्स के दरमियान जो डिस्क मौजूद होती है कार्टिलेज की वो स्लिप हो जाती है, जो जिसकी वजह से आपकी कोई भी नर्व जो है ना वो दबना शुरू हो जाती है और उससे बहुत सीवियर पेन होता है, स्पॉन्डोलाइसिस। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेरिएटेड एंड अनस्टेरिएटेड मसल्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेजेस, ये डिफरेंसेस लाजमी करिएगा, इनमें से कोई भी एक लाजमी आ सकता है। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। राइट 4 फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, बहुत आसान है, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस देना। ठीक है, ये खैर इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ऊपर के 3 है। उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन कॉजेज ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, कि स्केलेटल डिफॉर्मिटीज किस तरह से होती हैं। ठीक है, उसकी एक एग्जाम्पल देनी है कि सिम्टम के साथ, राइट अ नोट ऑन टेटनी एंड क्रैम्प्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद अगला देखें, रीजनिंग क्वेश्चंस की तरफ आते रहेंगे कि क्यों हमारे जो मसल्स हैं ना वो थक जाते हैं, क्यों फटीग होते हैं। बेटा मसल्स हमारे इस वजह से थक जाते हैं। अच्छा भाई देखें, मसल्स क्यों फटीग होते हैं, इससे फटीग होते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन कम होती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है ना ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और वो हमारे जो है वो मसल्स में जाकर बैठ जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, व्हाट कॉजेज एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रेक्शन इन स्पोर्ट्समैन, टेटनी आपके पास है। ठीक है, सेक्शन सी, स्केलेटल मसल का पूरा स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म, मसल की कॉन्ट्रेक्शन और उसका कंट्रोल। चैप्टर 3 में आपके पास कुछ आपकी डेफिनेशंस हैं, देन आपके डिफरेंसेस हैं। ठीक है, डिफरेंसेस में तीनों ही कर लिएगा, इंपॉर्टेंट है खासकर सेकेंड और थर्ड।
सेक्शन बी में आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिटरी कंडीशन. ड्रॉ चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ रिसेप्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट. ये याद करिएगा. ड्रॉ टेबल शोइंग द पाथ ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड टू CNS. राइट द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑल्सो ड्रॉ इट्स लेवल डायग्राम. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सिटी न्यूरो ट्रांसमीटर. ये सब इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सेक्शन सी में आते हैं भाई. आपने स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन लिखना है न्यूरॉन का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, पोटेंशियल, ये सारे के सारे ना आपके डिटेल के लॉन्ग इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये तीनों डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, ये करिएगा. अगला आ जाता है एंडलेस हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, लाजमी करें, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइब शॉर्टली एक्शन ऑफ पेप्टाइड एंड स्टीरॉइड, ये करें बेटा, ये लॉन्ग में भी है आपके पास, ठीक है. आई थिंक सो मैंने शायद लॉन्ग में भी दिया, या नहीं दिया तो शॉर्ट में तो करें. डिस्क्राइब पीनल ग्लैंड शॉर्टली. राइट फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये लाजमी करें. फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. तो आप इन तीनों हार्मोन्स को कीजिए. सेक्शन सी की तरफ आते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ सकता है. एंडोक्राइन डिसऑर्डर से रिलेटेड लाजमी आ सकता है. और ये तो वही आगे आएगा, मैंने आपको बताया था प्रोटीन और स्टीरॉयड हार्मोन्स का, ठीक है. न्यूरोसिक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, हो सकता है दे दें, ठीक है. व्हाट इज़ थायराइड ग्लैंड, उसके फंक्शन, डिसऑर्डर्स. इसके अलावा पेनक्रियास पे शॉर्ट नोट आ सकता है, जिसमें आपने उसके इंसुलिन ग्लूकागोन इन दोनों हार्मोन्स के काम बताने होंगे, कहाँ से रिलीज़ होता है, ठीक है. राइट अ नोट ऑफ गोनेड्स अलॉन्ग विद द फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल ग्लैंड्स. अच्छा जी, आपने गुनेड्स के ऊपर फंक्शन लिखना है जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेल और फीमेल गुनेड्स से, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद चैप्टर 5 पे आ जाते हैं आपके. उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंसेस हैं, फिर सेक्शन बी है, देन आपका उसके अंदर सेक्शन सी है. ये थोड़ा ड्राई सा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि इस चैप्टर को सिर्फ समझें, याद नहीं करें, सिर्फ समझें, क्योंकि स्टोरी बेस्ड चैप्टर्स हैं, ठीक है. लाइक जैसे यंग डक्स के अबाउट है, स्पाइडर के अबाउट है, ठीक है, सब स्टोरी बेस्ड है. चैप्टर 6 में आते हैं, इसमें डेफिनेशन है, देन डिफरेंसेस हैं, फिर आपका सेक्शन बी के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. इनको अच्छे से करिएगा, इस चैप्टर से अच्छे खास से आते हैं. मैं आपसे ये कहूँगी कि इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करें. रीजनिंग में आ जाए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इससे जेनेटिक मोनोटोनी अवॉइड होती है. तो एक तो हमारे पास ये फंक्शन है. उसके बाद वाई रिप्रोडक्शन इज़ एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जाहिर सी बात है नस्लों को बढ़ाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, ठीक है. अच्छछा जी, इसके बाद है वाई टेस्टी डिसेंड डाउन इन ह्यूमन मेल फीटस बिफोर बर्थ. देखिए होता क्या है कि बिफोर बर्थ ना जो टेस्टीज होते हैं ना वो इनसाइड द बॉडी ऑफ मेल होते हैं, बट बर्थ से कुछ मंथ्स पहले, अप्रॉक्सीमेटली ऑन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ 8 मंथ और 9 मंथ, क्या होता है कि वो टेस्टीज जो हैं वो बॉडी से बाहर डिसेंड आउट कर जाते हैं, ठीक है. वाई आइडेंटिकल ट्विन्स आर सिमिलर बट फ्रेटर्नल ट्विन्स आर नॉट, बिकॉज आइडेंटिकल ट्विन्स जो है ना वो एक ही जायगोट से डेवलप होते हैं, जबकि फ्रेटर्नल ट्विन्स दो अलग अलग जो है वो जायगोट से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है. उसके बाद ये आपके सारे सेक्शन सी के क्वेश्चन है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, हाउ फीमेल कंसीव अ प्रेगनेंसी, व्हाट इज एम्ब्लाइकल कॉर्ड, इसका फंक्शन, बर्थ, लैक्टेशन, मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या होते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या होते हैं, एंड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर चैप्टर, चैप्टर 7, इसमें से दोनों डिफरेंसेज हैं इन्हें करिएगा, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है, बहुत आसान से. देन आप उसके सेक्शन सी पे मूव करिएगा, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद आते हैं अब हम अगले चैप्टर पर. ये सेक्शन सी के कुछ सवाल हैं. उसके बाद है चैप्टर 8, इसके अंदर ये आपके डिफरेंसेस है पहले, फिर आपका सेक्शन बी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फिर आपका सेक्शन सी है. और मेरा ख्याल है मुझे इसको पढ़ के समझाने की नीड नहीं, क्योंकि जस्ट एक आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सिंपली वीडियो को स्टॉप करें और ये सवालात लिखते जाएं. चैप्टर 9 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बॉटनी का. मैं तो ये कहती हूँ कि 30-40% इससे बनना होता है पेपर आपका, तो इसको बहुत अच्छे से आपने करना है, ठीक है. उसके बाद देखिए चैप्टर 10, ये चैप्टर 10 के क्वेश्चन है, ठीक है.
खासकर अब ये देख लीजिएगा आर्किपेक्टिक्स का जो कनेक्शन है वो आपको आता हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 11 ड्राई है बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये इसका सेक्शन सी आ गया। देन आपका चैप्टर 12 है, ठीक है। चैप्टर 12 के तीन इतने क्वेश्चन देख लें। वाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि कट करने के काम आता है डीएनए को। क्यों प्लाज्मिड को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ताकि हमें जो भी चीज़ बनवानी है ना हम वो प्रोडक्शन करवा सकें, ठीक है। हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प इन सॉल्विंग क्रिमिनल केसेस, क्योंकि उसको हम मैच करके ना कंसीडर कर सकते हैं कि क्या किसका है, किस चीज़ से जो है वो एक सेकेंड रुकेगा। ये आपका चैप्टर 13 है, लास्ट चैप्टर, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हैं, फिर उसका सेक्शन सी है। यहाँ पे जो है वो आपका टारगेट पेपर ख़त्म होता है। ये तमाम आपको जो है 12th क्लास का पेपर जो है वो मिसेस तानी जी कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किया गया है। आप कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टॉपिक ना समझ आता हो, कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, हम दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।